सीन में एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है कि सल्तनत और नीलम कायनात की शादी हमजा के साथ जो हो रही है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सल्तनत चाहती है कि कायनात और जारून की टेक्निकली शादी होनी चाहिए. और भी कुछ रीजंस है जिसको वो पता नहीं रही है, सो विच इज़ वाई वो इतना मतलब पीछे लगी हुई है कायनात की शादी जारून के साथ होने करवाने में. सो बस वो हमजा से बात कर रही है एज कायनात. सो वही है, थोड़ा सा फन सीन था कि वो कैसे उसको दादी के चश्मे पहनाती है जस्ट टू गेट द फील ऑफ कायनात. और फिर वो बात कर रही है, नीलम लिख रही है, वो उसको पढ़ पढ़ के सल्तनत उसको जवाब दे रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इम्प्रॉम्प्टू मतलब सल्तनत ऐसे बात कर लेगी, वो कायनात की तरह बात करने, वो लिख रही है, वो सेम उस तरीके से जवाब दे रही है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था. और लास्ट में फिर हमजा अच्छा मान ही जाता है, कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बट अच्छा खैर वो तो अभी बोला है, लेट्स सी कि वो क्या करता है और किस तरह से चीज़ें होती हैं. अच्छा लेकिन अगर सल्तनत की बात की जाए तो उनका क्या होने वाला है जारून के साथ, क्या कहीं ना कहीं देखिए मैंने impression... सल्तनत तो बहुत मोहब्बत करती है जारून के साथ, बट बहुत सारी ऐसी वजह है, रीजंस है जिसको खैर अभी मैं बता नहीं पाऊँगी, बट जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रही है, जिसकी वजह से वो ऐसे दिन रात एक करके कायनात की शादी जारून के साथ करवा रही है, तो वो आपको जल्द पता चलेगा. लास्टली कुछ दर्शकों को और अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहूँगी कि देखिए हमारा शो, आपको ज़रूर पसंद आएगा. एंड या इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फॉर मी टू डू ऑल्सो, एंड मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ. सो आई रियली नो कि आपको भी देख के अच्छा लगेगा, कुछ नया लगेगा हमारे शो. थैंक यू. कंफ्यूजिंग है, हमें खुद को नहीं पता क्या हो रहा है. रोल ओके. तो चकुआ ने बहुत स्मार्टली एक प्लान बनाया कि अब हम पूनम को उनके ही घर में फंसाएंगे, उनके जो रूम में प्लांट है उसके बारे में एंजी को बताया. एंड एंजी पूछ भी रही है, कन्फ्रंट कर रही है पूनम को, लेकिन लास्ट मिनट पूनम ने वापस पूरा ब्लेम कीको पे डाल के चकुआ की चाल को एक बार फिर मार दे दी. तो क्या है ये सब? ये एक्चुअली हम बहुत दिनों से खेल रहे हैं, मतलब मैं और पूनम, कभी मैं जीत जाती हूँ कभी वो जीत जाती हूँ. तो इस बार जो है चकोर ने पूनम और मिट्टी की बात सुन ली है कि कहीं उसको जहर दे देते हैं हम और वैसे कर देते हैं, तो वो फिर उसको आइडिया आता है कि वो खुद ही जो प्लांट है वो उसका पत्ता वो खा लेती है. उसको पता है कि अगर वो होगा तो वो बीमार पड़ेगी और वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसे, और जब उसके रिपोर्ट्स आएंगे तब पता चलेगा कि कोई उसको जहर दे रहा है और पूनम फंस जाएगी. तो लगा था कि ये जो अभी बाजी है वो जीत जाएगी चकोर, बट अनफॉर्चुनेटली एंड मोमेंट पे कीकू की एंट्री हो जाती है और पूनम पूरा ब्लेम कीकू पे डाल देती है और बेचारा कीकू फंस गया है जिसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. तो अभी फ़िलहाल तो चकोर के लिए जतिन भाई साहब कहाँ है वो जानना ज़रूरी है, और कैसे भी करके जो पूनम की ये सच्चाई है वो सबके सामने लानी है. अच्छा तो मौका भी ढूंढ के रखा है, कहीं ना कहीं प्लान है दिमाग में. एंजी का बर्थडे आ रहा है, चैलेंज दे दिया है पूनम को कि अंजोर के बर्थडे के दिन सारा सब सामने लेके आएंगे, तो क्या प्लान है? समीर को कुछ क्लूज मिलते हैं और समीर गया है कहीं पे जहाँ पे उसे पता चलता है कि अच्छा हो सकता है कि जतिन जो है वो वहीं पे हैं. तो ये मैं और समीर प्लान करेंगे कि उसके बर्थडे के दिन जैसे ही हमें यहाँ से मौका मिलेगा हम वहाँ से जाएंगे और जतिन को ढूंढेंगे और फिर पूनम का पर्दाफाश. देखिए जब से ये गांव का ट्रैक चला है तब से खतरों के खिलाड़ी चल रहा है ऑलमोस्ट, कभी खड्डे में खोद रहे हैं और कभी जला रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं. तो आज झूमर उमर गिरने का कुछ सीन है और देखते हैं अभी क्या होता है, आगे सीन लगने वाला है. तो ये झूमर अपने से गिरता है या फिर झूमर को भी किसी ने बोला है कि मतलब ये किसी के इशारों पर गिरता है, क्या है मतलब? यहाँ पे सारी चीज़ें किसी ना किसी के इशारों पर ही हो रही हैं, और ये झूमर गिरने वाला भी डेफिनेटली किसी का तो हाथ है बीच में, तो अभी वही फिगर आउट करते हैं हम. आई थिंक पूनम जी का ही हाथ होगा बिकॉज अभी ट्रैक उन्हीं पे चल रहा है और सारी चीज़ें उन्हीं के रिवॉल्व चल रही हैं. मैं मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा हुआ, चकोर जी भी मेरे साथ ही हैं और देखते हैं आगे क्या होता है. यानी चकोर जी की बात की आपने, तो चकोर जी सुपर वुमेन बन के आपको बचाने भी आ जाती हैं? देखिए ये तो आई एम नॉट श्योर कि मैं उनको बचाऊँगा या वो मुझे बचाएंगी, और बाकी रही बात सुपर वुमेन की, वो ऑलरेडी है, उन्हें बनने की ज़रूरत नहीं है.
देखते हैं अभी समीर मासी को बचाता है या मासी समीर को बचाती है। अच्छा लास्टली मतलब ये भी ट्विस्ट दे दिया आपने कि मतलब दोनों में से कौन किसको बचाएगा, ये शायद देखना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंस गई हैं, डॉक्टर आ गए हैं इलाज करने के लिए लेकिन तबीयत ठीक है और एंजी से झूठ कहा है, तो अब किस तरह से इस मामले को संभालने वाली है चकोर? बेसिकली चकोर चाहती थी कि डॉक्टर जो हैं वो मेडिसिन उसी के हाथ में दे ताकि ये उसे नहीं खानी है तो वो नहीं खाएगी, और अगर किसी और के हाथ में गई तो फिर उसे ज़बरदस्ती खानी पड़ेगी वो दवाई। और उसका ये भी डाउट है कि कहीं उस दवाई में सेम चीज़ ना डाल ली हो। एक ज़रा आप ज़रा कैमरा अपना पैन कीजिए, वो जो भाग रहे ना वहाँ से उनको रिकॉर्ड कीजिए। हाँ सॉरी तो वो नहीं चाहती कि वो दवाई वो खाए जिसमें हो सकता है कि पूनम ने कुछ मिलाया हो और उसकी याददाश्त वापस आने की जगह और पूरी हो जाए। ओके, यू नो दवाइयाँ जाके भी एनजी के ही हाथ में गई हैं और वो पूरी कोशिश कर रही हैं चकोर का ध्यान रखने के लिए। डेफिनेटली, तो एनजी के हाथ से तो दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी क्योंकि वो उसे मना नहीं कर सकती कि उसके सामने वो प्रिटेंड कर रही है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है, उसे कुछ याद नहीं है। डेफिनेटली ये उसी की चाल थी शायद, क्योंकि वो स्माइल दे रही थी जब डॉक्टर थी वहाँ पे और वो चकोर से वैसे भी एक्सचेंज कर रही थी, तो उसे तो यही लगता है कि ये पूनम की चाल है। ओके, लास्टली चकोर से जाना चाहेंगे, पूनम ने तो अपनी चाल चल दी है, इनकी क्या नेक्स्ट चाल होगी? बहुत सारी चाल है अभी तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट इट्स अ चैलेंज फॉर चकोर। अच्छा ये कौन सी पल तो अजीब बीमारी हो गई जहाँ पे नेक्स्ट डे उठ के सारी भूल जाती है? भूल नहीं थी। मैंने बताया था, याद है तुमको क्या थी बीमारी? क्या थी? तो यही थी अक्यूट एम्नीशिया हुआ है इन्हें, जिसमें ये दिन भर में जो कुछ होता है वो याद रहता है, सोने के बाद जब वो सुबह उठती है तो भूल जाती है, तो ऐसा हो रहा है। तो राघव के पास बड़ा टास्क है, इस तरह से उनको याद दिला रहे हैं। वो एक टाइम टेबल बना लिया है इन लोगों ने, सुबह बताता है यहाँ पे सब चीज़ें लगा दी हैं कमरे में, फोटोग्राफ्स हैं, इन्हें बताता रहता है, तो दिन भर तो याद रहता है, तो एक सुबह की एक एक्सरसाइज होती है आधे पौने घंटे की, उसमें ये समझ जाती है, फिर अगले दिन वापस, तो दिन हम निकाल लेते हैं ऐसे। Where my what is this place? Next morning. जो राघव बोल रहे हैं उस पर पूरा यकीन है चकोर को? पूरा यकीन वो करने की कोशिश कर रही है, वो कन्फ्यूज़ भी है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या वाकई में उसके साथ ये सब हुआ है और क्या ये चकोर ही है और क्या ये इसकी शादी हुई है इसके साथ, इससे प्यार करता है, वो कन्फ्यूज भी है, बट शी इज़ यू नो बिलीविंग ऑल्सो बिकॉज़ देयर आर फोटोग्राफ्स, दिस गाय लुक्स लाइक सूरज। विजेंद्र बैक इन उड़ान, सो थोड़ी ओल्ड कास्ट सेट के अंदाज भी डिफरेंट है, थोड़ा मिस कर रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स मिस कर रहे हैं, सेट भी, जो टेक्निकल क्रू था, एक्टर्स भी, बट दैट्स व्हाट इज एक्टर्स लाइफ, आप हमेशा आगे परफॉर्म करते रहते हैं, और बट वी हैव अ वंडरफुल सेट ऑफ पीपल हियर, सो वी काम कर रहे हैं सब फिर से। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या हो गया, मतलब हॉस्पिटल में रोना धोना चल रहा है? हाँ हमेशा से, अभी फ़िलहाल अंजूर को चकोर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है क्योंकि उन्होंने अपनी जान को खेल कर, अपनी जान दांव पे लगा के अंजूर की जान बचाई है, तो उसको एहसास हो गया कि शायद उसने पूरी लाइफ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग किया है एंड नाउ शी इज़ ऑन डेथ बेड, तो उसको बहुत ही बुरा लग रहा है कि उसको माफ़ी मांगने का भी चांस नहीं मिला और चकोर मम्मा के साथ ये हो गया है। सो या शी इज़ वेरी गिल्टी एंड शी जस्ट वॉन्ट्स कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि वो उन्हें बता सके वो कितनी प्यार करती है। और मतलब अभी पूनम के भी अगेंस्ट जाने को पूरा तैयार है, इतना बॉन्डिंग हो चुका है, कैसे? हाँ पूनम के साथ, अब नहीं पूनम मॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ की लाइफ में, बट ऑब्वियसली खून तो खून होता है और जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी तो वो चकोर को भी अपना लेगी, सो ऐसा नहीं कि वो पूनम मॉम को साइडलाइन कर रही है, बट उनको उसको पता है कि वो रहने वाली है हमेशा उनके पास, बट चकोर नहीं रही है तो उनसे लगाव ज़्यादा होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से पूनम आपको दूर कर रही है तो कैसे पास जाने वाली है चकोर के? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो ये सब प्लॉटिंग कर रही है, बट आई एम श्योर जब पता चलेगा तो बहुत बड़ा ड्रामा होगा तब, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ चकोर जी के लिए कंसर्न हूँ और वो जल्दी से ठीक हो जाए ये कंसर्न। थैंक यू। थैंक यू। आज लास्ट भी है मीरा का और चकोर का। मीरा एज चकोर का आज लास्ट डे है उड़ान में,
और ये दिन तो अभी शुरू हुआ है एक्चुअली, मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले. तो यस, इट्स माय लास्ट डे. इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. बहुत अच्छे बीते मेरे 3 साल से ज़्यादा वाला वक्त. और जब आई थी तो कुछ नहीं थी, जा रही हूँ तो कुछ लेकर जा रही हूँ, बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ यहाँ से. एंड आई होप कि दिस ये जो शो है, ये इसकी यादें और जितना भी वक्त मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है वो हमेशा मेरे लिए एक मेमोरी रहेगी, लाइक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज. वी हैव हैड अमेजिंग ट्रैक्स. और hey, I have a producer of the show here. Why should I make you cry? You should be happy. So, come to please. No, please come. You've never. Sir, Gurudev Bhalla. Sir, क्या कहेंगे? Because Chakor से ज़्यादा हम उन्हें मीरा को miss करने वाले सर के. I think ये last day उनका है, but साथ साथ हमारा भी है. आपका ये इसका भी लास्ट डे नहीं, आपका भी लास्ट डे नहीं है, ये हमारे साथ ही है, ये कहीं नहीं जाएगी. ये एक छोटा सा ब्रेक है और ये जल्द वापस आएगी, ये कहीं नहीं जा रही है. या एक छोटा सा ब्रेक है, नथिंग मोर देन अ स्मॉल ब्रेक. यस, ही हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्टर फॉर अस. जब व्हेन वी केम इन, ही हैज ऑलवेज बीन अ गार्डियन फॉर अस. एंड so he always has this teddy bear hugs also that I'll miss. You'll not miss anything. Kya ja nahi raha, main to bol raha hu ye break hai. Kind for the little break. Are khatam ho gaya, khatam ho gaya. Aise bhi se matlab ye to bahut bada ye hai proof hai aapke samne ki tissue papers khatam hai. It's a very beautiful journey jo meera ne kiya hai pichle 3 saalon mein. Jab ye aayi thi pehli baar, maine inse kaha tha ki hamare bachcho ne bahut acha kaam kiya hai और अब ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है और वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी वो वक्त बताएगा, इनकी मेहनत बताएगी. तो मैंने सबको ऐसे कहा था, तो इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है. दे डिड, इन्होंने एक क्यों बोलते हैं दिल से काम किया, इन्होंने मन से काम नहीं किया है, इन्होंने अपनी मतलब सब कुछ दे दिया है. जो किसी भी एंटरटेनमेंट बिजनेस का एक असूल होता है कि आप सब कुछ दे दो फिर ऑडियंस के ऊपर है, वो लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं, प्यार देते हैं नहीं देते. उड़ान को मिलती थी, लाइक अभी भले ऊपर नीचे हुआ हो, बट विजेंद्र और अमीरा के टाइम पे जो टीआरपी हुई थी, हम टीआरपी पे बाइट्स करने आते थे. इन्होंने बहुत कमाल का काम किया. देखिए, टीआरपी इज अ बाय प्रोडक्ट, वो बाद में आता है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो काम की वजह से लोगों का प्यार मिला इनको. सो इट्स द लव ऑफ द व्यूअर व्हिच हैज कन्वर्टेड टू टीआरपी. आपको लगता है कि अगर टाइम स्लॉट चेंज नहीं हुआ होता तो कुछ पिक्चर अलग होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मेरा मानना है कि देखिए, अच्छा कंटेंट जहाँ भी आएगा जब भी आएगा वो चलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नीयत अच्छी है. हम 4.5 साल से शो को चला रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, तो टाइम स्लॉट इज अ पार्ट एंड पार्सल. और ऐसे कई बार शोज हुए हैं, पास्ट में भी हुआ है, दूसरे चैनल्स पे भी हुआ है. कलर्स पे ये इनफैक्ट पहला था कि उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई शो स्लॉट चेंज के बाद नहीं चला है, तो हमने चैलेंज लिया. हमें चैलेंज लेना पसंद है, जो दूसरे नहीं कर पाते वो हमने किया. इनफैक्ट उड़ान जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब हम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने बोला था बंधुआगिरी होती नहीं है, अब 2014 में बंधुआगिरी दिखा रहे हैं, ये तो 70 और 80 में होता था. तो हमने एज अ चैलेंज लिया. सो इट्स एक्साइटिंग टू टेक अप चैलेंजेस. उसी तरह से आई डोंट थिंक स्लॉट का फर्क पड़ा है. हम स्लॉट लीडर रहे भी हैं, अभी भी हम नंबर 2 पे हैं और बहुत कम डिफरेंस है फ्रॉम द कंपटीशन चैनल, एंड वेरी सून विल बी स्लॉट लीडर. तो वो मुझे यू नो आई डोंट थिंक आई लाइक टू से दैट कि स्लॉट की वजह से कुछ रेटिंग में फर्क पड़ा है. हम अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत से ईमानदारी से काम करेंगे तो वी विल बी द नंबर 1 शो ऑफ द GEC सेक्टर, नॉट ओनली द स्लॉट लीडर. कहीं नहीं जा रही, आप जाते जाते कहीं नहीं जा रही, हमारे साथ ही हमारी कंपनी में है. और उड़ान में भी शायद आप इसको दोबारा वापस देखेंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्टेड टर्न्स. यस, सो दैट्स हाउ वी शुड स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव. एंड आई होप कि आप लोग यू विल कीप गिविंग लव दैट यू हैव ऑलवेज बीन गिविंग. एंड यस, थैंक यू. ये केबल लगा ला, ये केबल ये केबल ले ले, ये पीछे जो है बस.
उठा उठा तू कैसे पैर से मारा तुमने अलग सुरन डायरेक्ट टेलीकास्ट हो नहीं जाऊंगी फिर फर्स्ट अप्रैल का नहीं इतना महंगा जो भी करते हैं रिकॉर्ड में आएगा मेरी आज छोटा सा कौन छोटा जो पूरा जो हां ये छोटा मुझे बांधता हुआ लगता है किसी नहीं बांधता तुम जा सकते हो छोटा छोटा तो आप इसको मैं तो पंखा जाने दे रहा हूं बिग थैंक यू फॉर द लास्ट थ्री इयर्स द एफर्ट दैट यू पुट इन इट इज फिनोमिनल वी रियली वैल्यू यू अ लॉट एंड लाइक आई सेड दिस इज अ ब्रेक दिस इज नॉट for termination of any kind. So, just a small celebration, small token from our side to you to show our love and affection for you. Thank you. Please do me honors. I would like to say something. Yes, you should. When I came in, I was nothing. And I've learned a lot here. आप सबको बहुत बड़ा thank you. अगर कभी किसी का दिल दुखा हो तो sorry. And I wish all the best to Udaan. I hope that ये शो सालों साल चले यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं आई थिंक दिस इज द बेस्ट यूनिट और जो लोग आते भी हैं शो में वो भी यही बोलते हैं कि हमारा शो के लोग बहुत अच्छे हैं एंड सबकी दुआएं हमेशा लगती है सो आई विश ऑल द बेस्ट आप सबको एंड थैंक यू You deserve it. You love cakes, so you must eat the full piece. Yay! Yeah. So, okay. अरे ये बुके उनके साथ जाना था घर पे सीन है पूछना मत सुन लो सीन है अगर ऐसा मत बोल यू लाइक केक्स ना बहुत बहुत ये भाई फोटो लो ना हां ये ले 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 थैंक यू चलो रेडी अभी सीन करते चलो।